भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में है, युद्ध स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही है और हमारी तैयारियां देख के कांग्रेस परेशान है। माननीय अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं, वो रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे सरकार का। मध्य प्रदेश में चुनावी बयार अब और भी तेज हो गई है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। अपने दावे में उन्होंने कांग्रेस की जमकर खिंचाई भी की है और अमित शाह का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि एमपी बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, हमारे सेनापति मैदान में काम कर रहे हैं, वहीं हमारी तैयारी को देखकर कांग्रेस में उथल पुथल मच गई है। अपने बयान में उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा कि 20 अगस्त को केंद्रीय मंत्री आएंगे और एमपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में है, युद्ध स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही है। कांग्रेस कह रही थी कि एक साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार के ही घोषित कर दिए। हमारे सेनापति अब मैदान में, सरकार का विकास पर्व चल रहा है, जन कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, अलग अलग गरीब कल्याण और जन कल्याण के कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। अभी 22 तारीख को मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का शुभारंभ होने वाला है। लाडली बहना जैसी कई योजनाएं पहले से ही हम लोग चला रहे हैं। तो युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है और हमारी तैयारियां देख के कांग्रेस परेशान है। अभी 20 तारीख को फिर हमारे नेता केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं, वो रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे सरकार का। हमने जो काम किया है उनके बारे में बताएंगे। योजना ये भी है कि अमित शाह जब एमपी जाएंगे उसके बाद बीजेपी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक भी उसी दिन की जाएगी। कांग्रेस को एमपी में मात देने के लिए शिवराज सिंह और बीजेपी के आलाकमानों की तरफ से कई यात्राएं शुरू की जाने वाली हैं। शिवराज सिंह का दावा है कि उनकी इन्हीं तैयारियों को देखते हुए कांग्रेस परेशान है। शिवराज सिंह चौहान ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी और एक बार फिर से सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी बड़ा दावा किया है। उनका दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एमपी की 29 में से 29 सीट पर बीजेपी ही जीत हासिल करने वाली है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।